वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज लिमिट को। तो जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि एज लिमिट को लेकर एक सेपरेट वीडियो जो है वो आपके लिए बनाया जाएगा, क्योंकि ये जो कन्फ्यूजन है वो बिग कन्फ्यूजन है नीट के एस्पिरेंट्स के लिए। आयु सीमा को लेकर आज की सेशन में सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, मिनिमम एज लिमिट से लेकर मैक्सिमम एज लिमिट, और आप नीट में कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, हाउ मेनी अटेम्प्ट इन नीट, तो उसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और आपके लिए ऑफिशियली वैलिड जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में आपको प्रदान की जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो, और सबसे पहले जानते हैं मिनिमम एज लिमिट के बारे में। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले ऑर्डर जारी हुए थे और इसको लेकर एक वीडियो भी बनाई गई थी, तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उसमें बोला गया था कि मिनिमम एज लिमिट को घटाकर 31 दिसंबर 2020 तक अगर आप 17 वर्ष की उम्र के हैं तो आप नीट का अटैम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें एक स्टूडेंट्स की तैयारी थी वो बेटर थी, लेकिन वो अपनी एज लिमिट को लेकर एग्ज़ाम नहीं दे पाया, और तब उसने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इसकी मिनिमम एज लिमिट को घटाकर जो है वो 17 साल किया गया था। 31 सितंबर 2020 तक अगर आप 17 ईयर के हैं तो आप नीट का अटैम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब सबसे जो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है वो मिनिमम को लेकर नहीं, वो रहता है मैक्सिमम एज लिमिट को लेकर। तो आप सभी को एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ, 2-3 बार इसको लेकर एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि इसकी मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो कोई भी एज लिमिट नहीं है अभी तक। अभी तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा या फिर नीट द्वारा या फिर NTA द्वारा इसकी मैक्सिमम एज लिमिट को लेकर कोई भी जो डिस्कशन जो है वो नहीं किया गया। यानी कि आप किसी भी एज लिमिट के हो मैक्सिमम, तो आप नीट का अटैम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में वैलिड और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ मैनी अटैम्प्ट के बारे में। तो सॉरी, इसको एज लिख दिया ये भी, तो हाउ मैनी अटैम्प्ट, इसकी भी नो लिमिट है, आप कितने भी नीट में अटैम्प्ट दे सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट अभी तक नहीं रखी गई है। आगे इसको लेकर लिमिट बनाई जाती है, NTA अपने जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर रहा है नीट के एग्ज़ाम्स में, तो NTA द्वारा अगर इसकी लिमिट बनाई जाती है तो वो बाद की बात है, लेकिन अब करंट की बात करें तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है अटैम्प्ट की, आप कितने भी आप मन चाहे नीट के अटैम्प्ट जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके ऑफिशियल की। तो आप ऐसा कीजिए, आप अपने गूगल पे सर्च मारिए कि व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज इन नीट 2019 या फिर 2020 या फिर ओनली नीट रखिए। क्या करना है, व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट इन नीट। ठीक है, तो रिस्पांस क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। रिस्पांस आएगा ये, देखिए क्या बोला गया कि एज पर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर दी अपर एज लिमिट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम appearing in NEET UG. Now candidates can apply for NEET up to any age. However, there is lower age limit for NEET. The applying candidate must have completed minimum 17 years of age on or before 31st December 2020. ठीक है, देखिए क्या बोला गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नीट UG में प्रदर्शित होने के लिए ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया गया है। अब उम्मीदवार किसी भी उम्र तक नीट के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि नीट के लिए जो आयु सीमा है वो कम है, आवेदन करने वाले उम्मीदवार ने 31 दिसंबर 2020 को या उससे पहले न्यूनतम 17 वर्ष की आयु पूरी कर ली होगी। ठीक है, देखिए अगर आपने गूगल पर भी सर्च मारते हैं तो भी हमें यही रिस्पॉन्स मिलता है कि नीट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। आप मैक्सिमम कितने भी ईयर के हो, चाहे आप 55 के हो चाहे आप 60 के हो, ठीक है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, मिनिमम एज रखी गई है वो है आपकी 17 ईयर, मिनिमम आप 17 ईयर के हैं तो ही इसमें आप आवेदन कर सकते हैं।
और अटेम्प्ट्स की बात करें तो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी बार, जितनी बार आप चाहें उतनी बार आप नीट के अटेम्प्ट्स जो है वो दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ एज लिमिट को लेकर अब आपके जो टोटल डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपका कोई डाउट्स है नीट को लेकर तो अब वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर उस पर बेटर रिस्पॉन्स आता है तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एज लिमिट को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं या फिर नहीं हुए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोर अपडेट्स एंड लेटेस्ट नीट की न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई अदर इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।